जी आप ट्रेन के इंचार्ज है एडवोकेट मेहुल बोगरा, आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछने हैं। आपने इतनी सारी गाड़ी यहाँ पे रखी है जो गाड़ी के आपके स्ट्रक्चर के बाहर है, बाहर टांगी हुई है आपने। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93, हूएवर ड्राइव्स और कॉज टू ड्राइव एनी व्हीकल हैविंग लोड आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल शैल बी पनिशेबल फॉर द फाइन ऑफ ₹1000। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्ट्रक्चर के बाहर गाड़ी रख के गाड़ी चलाता है तो उसका ₹1000 फाइन होता है। आप एक गाड़ियां उठाते हो, किस लिए उठाते हो? कि नो पार्किंग में गाड़ी है, तो नो पार्किंग की गाड़ी उठा के आप खुद ही कानून का भंग कर रहे हो। अभी इस क्रेन की क्षमता 6 से 7 गाड़ियों की है, आपने कितनी गाड़ियां अंदर भरी है? 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12 से 13 गाड़ी आपने भरी है, ठीक है? तो 6 की क्षमता है और 12 गाड़ी आप खुद ओवरलोड में चल रहे हो। आपका नाम क्या है? इंद्रजीत, आपके कंट्रोल रूम में फोन कीजिए, उनको बोलिए कि एडवोकेट मेहुल बोगरा है, गाड़ी ओवरलोड में है, गाड़ी में यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पहले आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर चलाइए गाड़ी। इनका गाड़ी का नंबर है GJ6PA1142 राजन सिनेमा निकोल पे में हूँ अभी। कौन सा मॉल है? कुंज मॉल, ठीक है? ये सब है कानून के रखवाले जो गाड़ियां लेते हैं। क्योंकि अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रखता है तो उसकी गाड़ी टो हो जाती है। अच्छी बात है, नो पार्किंग में किसी को भी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, पहले लोड में कीजिए। गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, गाड़ी आपकी लोड में कीजिए पहले। सुनिए, अगर आप ये ओवरलोडिंग में गाड़ी लेके जाएंगे, इसमें किसी की गाड़ी टकराएगी तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गाड़ी लोड में रह जाएगी, फिर में जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी। आप मेरे ऊपर, अगर मैं आपके काम में अड़चन कर रहा हूँ ना, तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि ये गाड़ी अगर आपका जो आपने बाहर टंगा है उसमें किसी की गाड़ी अथड़ा है और आपने ओवरलोड में गाड़ी चलाई है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप लोड में कीजिए, मैंने मना नहीं किया, आप मत जाइए, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और जाइए। आप कानून का भंग क्यों कर रहे हो? आप कानून के रखवाले हो भाई। एस पर, मैं आपको कानून बताता हूं सभी को, एस पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93, मोटर व्हीकल एक्ट 194 सब सेक्शन 1 ए, ये कहता है कि अगर कोई भी व्हीकल है, इसको 2XL व्हीकल कहते हैं, 2 धरी वाला व्हीकल, तो कोई भी व्हीकल है, अगर 2XL व्हीकल है तो उसको स्ट्रक्चर के बाहर गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। पूरे हमारा सूरत भी मेट्रो सिटी अब बन जाएगा, उसमें भी सभी क्रेन ऐसे ही चलती है। ये सभी गाड़ियां जो है, गाड़ियां, इस गाड़ियों को अंदर की साइड रखनी होती है, अंदर की साइड। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, कितनी गाड़ियां भरी है इन्होंने, पूरी ओवरलोड में। रुकिए, हाँ, साइड में ले लीजिए गाड़ी साइड में ले लीजिए। आपको जाने के लिए मना नहीं बोला, आपकी गाड़ी लोड में कीजिए और फिर जाइए, ऐसा कहना है मेरा। अहमदाबाद के डीसीपी है, डीसीपी ट्रैफिक सफीन हसन, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखे हैं मैंने उनके, भगवद गीता के, रामायण के, ठीक है, और अच्छा काम भी करते हैं। उनसे भी एक निवेदन है कि पूरे अहमदाबाद में जितने भी आपकी ट्रैफिक की क्रेन है और सभी ओवरलोड में चलती है, पहले पुलिस खुद कानून का पालन करे फिर लोगों से करवाए। आपके पास से जनता क्या सीखेगी? ये सीखेगी कि कानून कैसे तोड़ना है। सभी गाड़ियां ट्रैफिक की ओवरलोड में चलती है। अहमदाबाद में पूरी सभी की गाड़ियां ऐसे ही जाती है ना ओवरलोड में, कितनी गाड़ियां भरते हैं लोग, 12-13 12-13 गाड़ियां भरते, जबकि इस ट्रेन की कैपेसिटी 6 से 7 गाड़ियां लेने की होती है, तो सभी ट्रेन ओवरलोड में चलती है, ऐसा क्यों? अगर जनता के पास से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कानून का पालन करे, तो हमारी भी, पुलिस की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले कानून का पालन करे। ये तो कैसी बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो गई कि पहले अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रखता है तो उसकी गाड़ी टो कर लो और फिर उस सभी गाड़ियों को ओवरलोड में रखो।
मान लो ये इतनी बाहर है गाड़ी, देख लो ये 1.5 मीटर गाड़ी बाहर है, ये वाहन का स्ट्रक्चर उससे 1.5 मीटर यहाँ से बाहर है और ये यहाँ से 1.5 मीटर यहाँ से बाहर है। अगर मान लो कि इसमें किसी ने गाड़ी ठोक दी, कोई अकस्मात होता है, तो अकस्मात होता है तो क्या होगा, केस बनाया जाएगा। जिसने गाड़ी ठोकी उसकी, पुलिस के ऊपर तो केस कभी होता नहीं है, तो उसमें भी नेग्लिजेंसी किसकी आएगी, सामान्य जनता की आएगी। हमेशा सभी बर्डन सामान्य जनता पे थोपे जाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैंने इसको मना नहीं कहा, आप चले जाइए यहाँ से, लेकिन ये जो ये गाड़ी आपने ओवरलोड में रखी है, और सभी गाड़ियों को लोड में कीजिए, कानून का पालन करें, हम भी पालन करने के लिए बंधे हुए हैं, आप सबसे पहले एज ए पुलिस कानून का पालन करने के लिए बंधे हुए हैं। तो आपका पहला काम बनता है कि आप कानून का पालन करें। ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो होना ही चाहिए एज एन एविडेंस। हाँ, इनके पास मेमो बुक नहीं होगी ना, मेरा कहना सिर्फ यही है, मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंगली चले। और एक निवेदन है सीपी अहमदाबाद से, डीसीपी ट्रैफिक सफेन हसन से, बहुत अच्छी कामगिरी करते हैं, तो एक निर्देश जारी की जाए कि जो भी ट्रैफिक क्रेन आपकी चलती है वो एज पर लॉ चले, और सभी ओवरलोडिंग में चलती है। अगर आप खुद ही पालन नहीं करते कानून का, तो जनता से क्या एक्सपेक्टेशन करना। एक प्रिंसिपल है हमारे लॉ में, हमको सिखाया गया था कि रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, कि कानून है और राजाओं का भी राजा है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, कि कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो यहाँ तो कानून ही अपनी जेब में रखा जाता है। मेरा इंचार्ज से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप गाड़ी है उसको लोड में करिए और जाइए। मैंने ना ही उनको मना बोला है, एक किससे बात कर रहे, एक काम करते हैं, अभी हम ही अहमदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। अभी हम ही फोन करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, 1095 है अहमदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम, उसमें फोन किया है मैंने अभी। ये कौन सा मॉल है? राजन सिनेमा, राजन जी। एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ, मैं अभी राजन सिनेमा में हूँ। ये कौन सा रोड? कुंज मॉल। एरिया कौन? निकोल। हेलो, हाँ, यहाँ पे एक ट्रैफिक क्रेन है पुलिस की, जो पूरी क्रेन ओवरलोड में चल रही है, चाहे जनता को उससे कुछ भी अकस्मात हो सकता है, उनकी जान जोखिम में जा सकती है, इसलिए इनकी क्रेन को हमने साइड में रखवाया है। और हमारा कहना यह है कि इनकी क्रेन लोड में की जाए, इन लोड, और बाद में यहाँ से इनको चलाया जाए। इसीलिए आपके कोई इंचार्ज वगैरह हो तो या कुंज मॉल पे भेजिए, इनका जो भी चालान बनता है वो चालान करवाइए। हेलो, हाँ जी, कुंज मॉल निकोल, हाँ जी, कुंज मॉल निकोल। नंबर, हाँ जी बोलिए। 079 2585 कितना? ओके। ट्रैफिक पुलिस ની જ ક્રેન છે જે ઓવરલોડિંગ માં ચાલે છે। ડ્રાઈવ હોય પણ લોકોના જાનને તો જોખમ માં મૂકવાના ને ભાઈ, ડ્રાઈવ માટે થોડી મુકાય। હા, ડીસીપી ઓફિસ નો નંબર છે ને? ओके। ये है इनका ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जहां से ऐसा जवाब दिया जाता है क्या, खुद ही बात करो। हेलो, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। हेलो, अभी मैं कुंज मॉल निकोल पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे एक ट्रैफिक ट्रेन है जो पूरी ओवरलोड में चल रही है, जाए जनता अगर कोई एक्सीडेंट हो तो जाए जनता की जान को जोखिम है, इसलिए इनकी ट्रेन को हमने साइड में रखवाया है।
हमारा कहना यह है कि इनकी जो क्रेन है उसको इनलोड किया जाए, जो एक्स्ट्रा गाड़ियां है उतारो, दूसरी क्रेन में रखो और फिर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जोखिम है, डेंजरस ड्राइविंग भी बनती है। तो इनकी क्रेन को हमने यहाँ पे रखवाया है और आपको इसीलिए फोन किया कि कोई भी कोई इंचार्ज जो आप यहाँ पे भेजिए तो इसका सॉल्यूशन हो सके। क्रेन पे जो इंचार्ज है वो दूर दूर भाग रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहे मेरे पास। क्रेन वाले तो है पर क्रेन के इंचार्ज नहीं आ रहे हैं मेरे पास। हेलो, हाँ जी, हाँ तो क्रेन वाला छे अहिया, एक मिनट, इमने कीधू, हाँ तो इमने मैं केऊ छू, एक क्रेन वाला भाई कहेंगे तो पर हूँ एज समझाऊ छू कि ओवरलोड वाहन घरे ना ले जवाना होय। तमारो जवाब बहुत सारो छे पण एक ए ओवरलोड वाहन में कोई गाड़ी अथड़ाय तो जहाज जनता ना जीवने जोखम तो थाय ने, ओवरलोडिंग एक गुनो तो छे के नहीं? एक काम करो, हूँ क्रेन इंचार्ज ने आपू छू, क्रेन इंचार्ज ने आपू छू, कूंज मोल पर छू, निकोल आपो एमने फोन, आपणे ट्राफिक कंट्रोल रूम। मैं करी दी थी, वो बात नहीं कर रहे आपसे। हेलो, वो बात नहीं करना चाहते आपसे। हेलो हेलो, हाँ जी, वो बात नहीं करना चाहते आपसे तो अब क्या करें? तो परिस्थिति तो त्यारे खबर पड़से ना जरे तमे अहीं कोई ने मोकलो अने जुओ तो परिस्थिति खबर पड़े ने। घरे नहीं लई जवाना पण ओवरलोडिंग क्राइम तो छे ने, पुलिस तरीके तमे आवो केवो जवाब आपो छो के ओवरलोडिंग घरे तो नहीं लई जवाना? तो हाँ, એટલે તમે કોઈ વ્યક્તિને મોકલો ઓવરલોડિંગ માં છે ત્યારે તો હું વકીલ છું તો મને ખ્યાલ તો હોય ને ઓવરલોડિંગ કોને કહેવાય। હા જી, કોઈને મોકલો હો, મેરા આપસે ઇતના કહેના હૈ મેરે ભાઈ કે આપ એ જો વાહન હે ઇનકો ઇનલોડ કીજીએ ઓર લેકે જઈએ। મેને એસા તો નહીં કહા કે આપ વાહન કો મત લેકે જઈએ, જો નો પાર્કિંગ મેં ઉસકા ફાઇન તો લેના હી હૈ આપકો। तो काम कर रहा हूँ, मेरा काम कर, तो मैंने मना नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना सामने नो पार्किंग का, हाँ यहाँ से मैंने गाड़ी, बहुत अच्छी बात है, जो रूल को फॉलो नहीं करता उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि अभी आपकी जो ये गाड़ी है ये ओवरलोडिंग में है, ठीक है? हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आप ये गाड़ी लेके चाहिए, लेकिन इसमें जो आपने गाड़ी एक्स्ट्रा रखी है वो दूसरी क्रेन में डाल दी। इंचार्ज तो आप है ना क्रेन के, मैंने मना तो जो एक्स्ट्रा गाड़ी आपने रखी है वो नीचे रखवा दीजिए, उसका फाइन बना दीजिए और इनलोड करके जाइए। हाँ बस वो कर दो ना, एक्स्ट्रा गाड़ी है वो नीचे रखवा, चलो साइड में हट जाओ, बस एकदम फाइन। ओके, एक्स्ट्रा जो गाड़ियां है अभी जितनी भी एक्स्ट्रा गाड़ियां है वो सब हम नीचे रखवाएंगे, इनको इनलोड करवाएंगे, ठीक है? और बाद में ये क्रेन यहां से जाएगी। चलो, इंचार्ज से अभी बात की, उन्होंने कहा है कि जो भी गाड़ी एक्स्ट्रा लोड में है जितनी भी गाड़ी है वो सभी गाड़ियां अब क्रेन से नीचे उतारेंगे और बाद में एक क्रेन इनलोड होके जाएगी। और अहमदाबादियों से मेरी एक नम्र विनंती है कि आपके अहमदाबाद में सारी क्रेन है, जितनी भी क्रेन है ये सभी क्रेन ओवरलोड में चलती है। यही बोल रहा हूँ, तो मेरी यही विनती है कि यहाँ जैसे ही आपको ओवरलोड लगे ये सब गाड़िया, तो ये सभी गाड़िया आपके जान के लिए जोखिम कारक है। अगर एक क्रेन अभी रास्ते पे चलेगी, यहाँ पे कोई टकरा जाएगा तो उसको, उसकी जान को तो हानि होगी ना। तो बस यही कहना है कि जहाँ पे भी ऐसी ओवरलोड गाड़िया दिखे आप विरोध उठाए, इनको इनलोड करवाइए। इसकी गाड़ी कैसे रखनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो सेंटर पोर्शन होता है ना इस क्रेन का, सेंटर पोर्शन के अंदर गाड़ियां रखनी होती है, वो भी कैसे कि इसके बाहर ना आए, ठीक है? और 1 2 3 4 इसमें मैक्सिमम 7 गाड़ी आएगी, 7 से ज्यादा गाड़ी नहीं आएगी। और
ये रूल है, अगर हम रूल ब्रेक करते, अगर वो कोई टेम्पो वाला है, अगर कोई रिक्शा वाला है, वो गाड़ी लेके जाएगा तो उसके ऊपर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 93 मोटर व्हीकल एक्ट 194 सबसेक्शन 1 ये लगा देंगे, उसका फाइन होगा, तगड़ा फाइन होगा, 1000 लेंगे। लेकिन ये ओवरलोडिंग में चले गए तो इसका फाइन तो कौन लेगा, भगवान जाने। मुझे फाइन से मतलब नहीं है, मुझे जायज जनता की सेफ्टी से मतलब है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये जायज जनता की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है। ये ड्राइवर कितनों का ध्यान रखेगा, एक गाड़ियों का ध्यान रखेगा, एक गाड़ियों के ऊपर जो 5-6 लोग बैठते हैं, जो क्रेन मजदूर होते हैं, उसका ध्यान रखेगा कि गाड़ियों का ध्यान रखेगा, कितना ध्यान रखेगा। पानी लेता हूँ ना बापू, पानी बोतल लेता हूँ। अभी तक बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर जाय जनता की यहाँ भी कोई टेम्पो और रिक्शा होती जिसमें से कुछ भी बाहर निकाल, थोड़ा सा ही कुछ भी गुड्स बाहर निकला होता तो उसका 1000 का फाइन बन जाता। अभी तक मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप फाइन भरिए, क्योंकि ठीक है अगर फाइन भरेंगे तो हमारे टैक्स के पैसों से ही जाएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ओवरलोडिंग की गाड़ियां हटा दीजिए और लोड में करके फिर जाइए यहां से, हमने रोका भी नहीं है इनको। चलो ये लोग गाड़ियां उतार रहे हैं अभी। बहुत अच्छी बात है, इंचार्ज ने हमको सहयोग दिया और ये गाड़ियां जो ओवरलोड में है वो अब उतर रहे हैं अभी। और ये कभी भी मत सोचिएगा कि हम सिर्फ सूरत में ही काम करते हैं, हम पूरे गुजरात में है। जहां भी कोई भी अपने आप को कानून के ऊपर समझेगा ना तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ये ओडव की बहुत ज्यादा, मुझे ओडव सर्कल की बहुत ज्यादा फरियाद आती है मुझे। सबसे ज्यादा हफ्ताखोरी भी वहीं पे चलती है, वीडियो है मेरे पास। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे कैसे एडवोकेट मेहुल बुगरा आएगा, हम सभी जगह पे आते हैं। वो भी ध्यान में ही है मेरे, जो सुबह में और शाम को खड़े रह जाते हैं ना वो पर्ची निकालने के लिए ओडो सर्कल पे। तोड़ पानी चलती है वहाँ पे ओडो सर्कल पे। सभी जनता को पता होगा लेकिन इन सबको ही पता नहीं चलता, ऊपरी अधिकारियों की यहाँ पे तोड़ पानी चलती है। चलो ये गाड़ी उतर गई, एक लाइव ही है पूरा वीडियो, अभी हम लाइव ही रखते, हमको कुछ गलत करना नहीं है। तो फिर जब 7 गाड़ियां इस क्रेन में हो जाए, 7 गाड़ियां, तब यहाँ से लेके जाना, तब तक यहाँ पे ही रहो, क्योंकि हम जाय जनता के सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बस हमारा यही कहना है। और जाय जनता भी ये नोट करे, हमारा काम ये नहीं कि हम स्टेज पे आए और कुछ भी बोल के चले जाए, हमारा काम है ग्राउंड पे आके लोगों को ये सिखाना कि कानून व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम क्या होती है। अगर सिस्टम यह कहता है कि ओवरलोडिंग का कानून सबको लगता है तो पुलिस को तो सबसे पहले लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर एक क्रेन दिखे आप सबको ओवरलोडिंग में तो रोकिएगा, हाँ मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। हमारा सूरत भी एक सिटी है, वहां पे भी क्रेन चलती है, और जो भी क्रेन सूरत में हमारे चलती है ना उसमें 7 से ज्यादा गाड़ी नहीं दिखेगी, और एक भी गाड़ी आपको क्रेन के स्ट्रक्चर के बाहर नहीं दिखेगी। और यहाँ पे अहमदाबाद में आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कोई कौन है जो आवाज उठाएगा, तो हम अहमदाबाद के लोगों को भी सिखा देंगे कि झूठ के सामने, अन्याय के सामने कैसे आवाज उठाए, छोड़ेंगे नहीं किसी को। फाइन भरना है नो पार्किंग में है तो, लेकिन अगर नो पार्किंग में किसी ने गाड़ी पार्क की है, उसने कानून का उल्लंघन किया है, तो ये लोग गाड़ी लेके जाएंगे और खुद ही कानून का उल्लंघन करेंगे। ये तो कैसी बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत अच्छी बात, पीसी आ रही है, एक पीसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है।
एक पीसीआर आई है अभी, GJ1JA2095 हमारी कंप्लेंट के वहां से आए हो कि ऐसे ही आए हो? हमने कंप्लेंट थी की थी कंट्रोल रूम में, इसलिए आए हो कि? हाँ मैंने की थी, एडवोकेट मेहुल बोगरा। मुझे नहीं पता, ओके मैंने किया। मेरा कहना क्या है कि जो क्रेन है अभी ओवरलोड में चल रही है, इसमें गाड़ी की कैपेसिटी होती है 7, सभी गाड़ी के स्ट्रक्चर के बाहर सभी गाड़ियां रखी है। तो मेरा कहना है नहीं वो तो चालू रखे, मेरी सेफ्टी के लिए। तो मेरा कहना है कि आप जो ओवर स्ट्रक्चर के बाद जितने भी गाड़ियां रखी है, ओवरलोडिंग है, वो सब निकाल दे, लोडिंग में गाड़ी रखे। हर एक का फाइन होना चाहिए जो नो पार्किंग में गाड़ी रखता है, किसी को बख्शा नहीं जाता। लेकिन आप जो ओवरलोडिंग में गाड़ियां रख के गाड़ी लेके जाओगे, एक तो जाए जनता की जान को जोखिम है अगर कोई टकरा जाए तो, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इनकी ओवरलोडिंग में जो गाड़ियां है वो हटवाई जाए, और फिर इनको इनलोडिंग में करके इसकी क्रेन को जाने दीजिए। हाँ गाड़ी ज्यादा भरी, 14 गाड़ियां भरी है, ठीक है। और सुनिए एक मजे की बात बताता हूँ, हमने कंट्रोल रूम में फोन किया, हमने ट्रैफिक DCP ऑफिस में फोन किया, तो वहां से हमको जवाब क्या मिलता है? खबर पुलिस वाले घर पे देके थोड़ी ना जाएंगे ओवरलोडिंग गाड़ी। तो इनका मतलब ये है कि पुलिस वाला है तो ओवरलोडिंग में चलेगा, और गाड़ियां थोड़ी घर पे लेके जाए। गाड़ियां बोले घर पे लेके ना जाए, हमको सब कुछ मालूम है, हमको मत सिखाओ। यहाँ से जितनी 14 गाड़ियां निकलती है ना, तो चलान सिर्फ 7 गाड़ियों का ही फटता है, बाकी तो 500 में छूटती है सभी, वो हमको सब मालूम ही होता है, ठीक है, हमको मत सिखाइए। मैं एक अर्जी तो मैं करूंगा, लेकिन ये एक, 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 कोई इसमें अथड़ा जाएगा तो जाहिर जनता को कितना नुकसान हो, ये देखने वाली बात है। जो कि आपको ट्रैफिक में है नहीं, लेकिन ये ट्रैफिक को देखना ये सेंस थोड़ी है। एक सभी गाड़ी को अंदर रखा जाता है, इसमें 6 से 7 गाड़ियां आती है, इसमें 12-12, 13-13 गाड़ियां भर देते है, ठीक है। वायोलेशन होता है, उसका फाइन बनता है, लेकिन ये सब मनमानी थोड़ी चलती है, ये पूरी ओवरलोडिंग गाड़ी है। अभी हमारे सूरत में भी क्रेन चलती है, लेकिन ऐसे नहीं चलती, और ऐसे चले तो हम चलने भी ना दे, हम रास्ते में खड़ी रख दे सभी क्रेन। अभी बहुत सारी गाड़ी निकल गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियां है, तो 7 गाड़ियां सीधी रख दो, सिस्टम ही खत्म। एक गलत भाई, आप गाड़ी और बड़ी सीधी राखी दो। हाँ सीधी रखो ना, अभी तो ना भरो यार, उतर नहीं आपका गाड़ी, आपकी गाड़ी कौन सी है, उतार दो। हाँ तो हाँ झगड़ा तो किस बात का है, कानून की बात है भाई, कि लॉ एंड ऑर्डर से सब कुछ चले। आपका भी उद्देश्य है, मेरा भी उद्देश्य है। अभी ये सारी गाड़ियाँ इनलोड हो चुकी है, सभी गाड़ियाँ अंदर, बोला एक गाड़ी बाहर है तो के भले रही, अंदर रखी हुई है, ठीक है, ओके। पीछे से तो चलेगा, आउट स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चली गई सभी गाड़ियाँ अंदर, और यहाँ से सभी गाड़ियाँ अंदर। अब जाइए भाई, हाँ धन्यवाद, चलो इसका मेहमान, चलो जय हिंद। DCP ऑफिस से होगा, चलो इसको कहते हैं इन ऑर्डर, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना। और ये सभी गाड़ियां अंदर, साइड से एक भी गाड़ी स्ट्रक्चर के बाहर अभी नहीं है, पहले से ही ऐसी लगाई होती मेरे भाई, मैं गाड़ी नहीं रोकता आपकी, बहुत अच्छी बात है। इसको लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना कहा जाता है, कि अगर जनता के पास से हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करे, तो हमको खुद भी पहले कानून का पालन करेगा। और ऐसे ही गाड़ी रखी जाती है क्रेन के अंदर, ऐसी ही गाड़ी रखनी होती है बीच में, सेंटर में, ना कि बाहर, लेकिन रखता कोई नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। चलो सपोर्टिवली काम किया, खूब खूब आभार, धन्यवाद, चलो आप जा सकते हैं, धन्यवाद।